ये गुमटियाँ हटवाइए, जहाँ जहाँ तम्बाकू प्रोडक्ट बिक रहा है वो सब गुमटियाँ बंद करवाइए। देखिए मिडिल स्कूल लड़कियों का है, यहाँ सब बोले हटवाइए, एनफोर्समेंट देंगे हटवाइए, कितना वक्त चाहिए आपको हटाने। तुम भाई ये पान मुड़ी की दुकान स्कूल के सामने नहीं चला सकते, बंद हो गई यहाँ से, ठीक है हटवाइए इसको। ये कितना समय चाहिए आपको एनफोर्समेंट की, अगर 15 दिन। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सीएम राइज स्कूल की प्राचार्या ने मजार बनवा दिया, जिसमें जानकारी मिलते ही बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम राइज स्कूल के चबूतरे तोड़ने के निर्देश दिए गए, वहीं प्राचार्या को भी तत्कालीन सस्पेंड कर दिया गया। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सीएम राइज स्कूल कुरवाई में बने मजार नुमा चबूतरे को तोड़ा जाएगा, साथ ही जिस तत्कालीन प्राचार्या साहिना फिरदौस के कार्यालय में यह बना है उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सस्पेंड कर दिया। इस बीच राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम भी कुरवाई कर पहुंच गई और मामले को सही पाया। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने कहा कि वहां PFI की गतिविधियां के संकेत हैं और एक वर्ग विशेष के छात्राओं ने स्कूल में ही अलग से एक कक्ष धार्मिक कार्यों के लिए मांगा है, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी। उधर कुरवाई के 2 अन्य स्कूलों में भी मजार की आकृति मिली है। ये मिडिल गर्ल्स स्कूल व शासकीय कन्या बालक प्राथमिक शाला है। गुरुवार को सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण करने पहुँचे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है। साथ में SDM, SDO और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उधर विदिशा SDM अंजलि शाह का कहना है कि सीएम राइज स्कूल कुरवाई में मजार नुमा चबूतरा बनाए जाने की जानकारी संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन प्राचार्या के खिलाफ जांच शुरू की गई। मामला स्कूल शिक्षा विभाग के संज्ञान में है। आयोग केंद्र को यह रिपोर्ट देगा। शुक्रवार को 1 बजे वर्ग विशेष के विद्यार्थियों को छुट्टी दी जाती है, टीचर भी चले जाते हैं। छात्राओं ने धार्मिक कार्यों के लिए अलग से कक्ष भी मांगा। 2 और स्कूलों में मिली मजार। आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने कहा कि मजार नुमा चबूतरा तो मिला ही है, 2 अन्य स्कूलों में भी मजारे हैं। विद्यार्थियों व स्कूल के टीचरों से बात की गई। स्थानीय पूर्व पार्षद ने 2015-16 में इसे बनवाया है। यह भी सामने आया कि शुक्रवार को 1 बजे वर्ग विशेष के विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी जाती है, टीचर भी चले जाते थे। पूर्व में धार्मिक कार्यों के लिए एक कक्ष भी रखा गया है, जिसकी छात्राओं द्वारा अब दोबारा मांग की गई। जिला शिक्षा अधिकारी एक मौदगिल का कहना है, प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा कि सीएम स्कूल राइज में बनी मजार को तोड़ने की कार्रवाई जल्द की जाएगी। मेरे ऊपर लगे आरोप गलत, स्कूल में लगी कब्रें बहुत पुरानी है, राष्ट्रगान पर कभी रोक नहीं। साहिना फिरदौस ने कहा उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत है, स्कूल में लगी कब्रें बहुत पुरानी है, उनका नया निर्माण मेरे द्वारा नहीं किया गया, संस्था में कभी भी राष्ट्रगान पर रोक नहीं लगी। मध्य प्रदेश गान के साथ एक भजन भी स्पीकर के साथ कराया जा रहा है, कोई मेरे खिलाफ संयंत्र कर रहा है। कुल 32 वर्ष की सेवा और 16-17 साल से प्रभारी एवं प्राचार्य के रूप में मैंने सदा ईमानदारी से सेवा की। पहले भी झूठे संयंत्र रच कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सक्षम अधिकारी ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। क्या नाम तुम्हारा? विकास के। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सीएम राइज स्कूल। तुम्हारे यहाँ स्कूल में प्रेयर कौन कौन सी होती है? प्रार्थना, वंदे मातरम होता तो प्रार्थना होती थी, वंदे मातरम, मध्य प्रस्थान होता था और प्रार्थना होती थी। प्रार्थना कौन सी होती थी? सरस्वती वंदना। और एक गान होता था मालिक वंदे हम, यहाँ होता था कभी कभी कभी। क्या नाम तुम्हारा? सुनील अहरवाल। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सी एम राइज कुरवाई। कहाँ के रहने वाले? कुरवाई। कौन से स्कूल, तुम्हारे स्कूल में प्रार्थना कौन कौन सी होती है? प्रार्थना मध्य प्रदेश गान और ए मालिक तेरे बंदे हम। और राष्ट्रगान? राष्ट्रगान कभी कभी कुछ मौक़ों पर होता था, नगाद सभी जन मौक़ों पर होता था। राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत भी नहीं। कुरवाई आगमन हुआ किस संबंध में हुआ? हमको ये सूचना मिली थी कि कुरवाई में कुछ स्कूलों में
इलीगली रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस किए गए हैं, बच्चों को राष्ट्रगान नहीं करवाया जाता है, और इसके साथ साथ अनेक प्रकार की ऐसी टीचिंग्स स्कूलों में देने का प्रयास किया जा रहा है जो कम्युनल इन नेचर है। इसलिए हमने आज यहाँ आके निरीक्षण किया, यहाँ पे स्टाफ से बात की, यहाँ प्रिंसिपल से बात की। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि जिला शिक्षा विभाग के जो प्रमुख अधिकारीगण हैं वो इस पूरे मामले को लेकर बेहद उदासीन समझ में आए। हमारे पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद ना तो जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ जांच में सहयोग करने के लिए उपस्थित थे, ना ही ब्लॉक के एजुकेशन के अधिकारी यहाँ पे जांच में सहयोग करने